दोस्तों आज की वीडियो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग के क्वेश्चन भी आते हैं और काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं जो इसमें बताने वाला हूँ, जो आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो वीडियो को पहले लाइक कर दो क्योंकि आप लाइक करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए रोज़ ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो को वॉच करो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। दोस्तों हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग, मतलब हेयर रिबॉन्डिंग करने के बाद काफ़ी लोग के हेयर टूटने लगते हैं, हर किसी के हेयर टूटते ही यानी कि हेयर फॉल होने लगता है। मुझे भी होता है, मैंने काफ़ी हेयर फॉल पे भी वीडियो बना चुका और दिखा भी चुका कि हेयर फॉल किस तरह से रिबॉन्डिंग के बाद होता है। जो लोग मुझे पहले से जानते, जो लोग मेरे को पहले से ही फॉलो करते इस चैनल पे, तो उन लोग को पता ही कि हेयर रिबॉन्डिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। लेकिन जो मैं एक्सपीरियंस, मैंने 12 साल का, 13 साल होने आए मुझे, जो हुआ है, जो मैंने फील किया, वो आपको लोगों को बताने वाला क्या क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए जिससे हेयर फॉल कम हो। दोस्तों जब भी आप हेयर रिबॉन्डिंग करते हो, ये ट्रीटमेंट करते हो, जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्रीम वाली, तो मतलब ये हेयर रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट है, हेयर स्मूथनिंग भी बोलते हैं, तो इस ट्रीटमेंट में क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूँ। ये आपका 3 दिन का गैप होता है, मतलब आप इसे ट्रीटमेंट करने के बाद आपको 3 दिन बाद ही शैम्पू कंडीशनर करने का होता है, तो 3 दिन तक आपके लोगों के हेयर टूटेंगे नहीं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, आपके 3 दिन तक तो हेयर जरा भी टूटेंगे नहीं जब आप हेयर को वॉश नहीं करोगे, जब तक कि शैम्पू कंडीशनर नहीं करोगे आपके हेयर बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जब 3 दिन बाद आप हेयर के ऊपर जो प्रोडक्ट अप्लाई करते हो, शैम्पू कंडीशनर यूज़ करने लगते हो, तब धीरे धीरे हेयर फॉल बढ़ने लगता है और होते होते इतना बढ़ जाता है कि आप टेंशन में आते हो बिल्कुल कि क्या करूँ। काफ़ी कमेंट्स भी करते वीडियो पर आके कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इस तरह के कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में जो बताने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक चीज़ की आप आदत डाल लो, जब भी आप ट्रीटमेंट करने वाले हो, तब आपको 3 दिन बाद शैम्पू कंडीशनर करने का हो, तब आपको सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर का यूज़ करना है। इसकी आदत डाल लो, आज से ही आपको सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना है। जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, हेयर रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें काफ़ी हीट मिलती है हेयर को, हेयर काफ़ी थिन होने लगते, तो सल्फेट फ्री शैम्पू से यूज़ करने से आपको फ़ायदा ही होगा कि आपके हेयर जो थिन हुए होते हैं उसको थोड़ा न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपके हेयर जाड़े भी होंगे। और न्यूट्रिशन से याद आया कि अगर आप न्यूट्रिशन सिर्फ शैम्पू से ही नहीं मिलेगा, मतलब आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर लोगे तो आपके हेयर जाड़े हो जाएंगे, लेकिन आपको उसके बैक यानी इंटरनल तरीके से आपको यूज़ करना। मैं हर वीडियो आपको बताता हूँ कि आपको न्यूट्रिशन अच्छा लेना है, खान पान पर ध्यान देना है, अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड खाना है, आपको आलमंड लेना है, एग्स लेना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। आपको अच्छी डाइट लेना है तभी आपको हेयर काफ़ी नेचुरली अच्छे दिखेंगे, अच्छे चमकेंगे, अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना और दूसरी चीज़ आपको शैम्पू कंडीशनर आपको सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री ही यूज़ करना है। और दोस्तों बात करें हेयर वॉश कब कब करें, काफ़ी लोग क्वेश्चन में आते हैं कि हम डेली यूज़ में कर सकते हैं शैम्पू, डेली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत ही आउटडोर जाना पड़ता है। तो आप जब भी आउटडोर ज़्यादा जाने का हो, तब आप हेयर पर कुछ भी प्रोटेक्शन करें, आपके हेयर पर रुमाल बांधे, आप टोपी पहने, कुछ भी करें, पर हेयर को आप धूल मिट्टी जितना हो सके उतना बचाएं। और धूल मिट्टी से बचाने के लिए आपसे मैंने काफ़ी सीरम के भी रिव्यू दिए, तो आप सीरम डेली यूज़ करें, सीरम को तो जरूर लगाना है आपको जब भी आप बाहर जाएं। और हेयर वॉश आपको डेली नहीं करना, मैंने काफ़ी वीडियो बताया आपको, एक दिन के गैप में ही हेयर को वॉश करना है। और एक और चीज़ की आपको आदत डालनी पड़ेगी, अगर आप लॉन्ग टाइम तक हेयर रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट करना चाहते हो, हेयर स्ट्रेट रखना चाहते हो, बार बार रिबॉन्डिंग करना चाहते हो 2-3 महीने के अंदर, तो आपको हेयर स्पा की आदत डालनी पड़ेगी। आप हेयर स्पा स्टार्टिंग में आप सलून में भी करवा सकते हो, लेकिन आप इसकी क्रीम ला के घर पर भी कर सकते हो, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो काफ़ी सारी बना चुकी है, आप वीडियो भी देख सकते हो। स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट के बाद, स्मूथनिंग ट्रीटमेंट के बाद यानी कि रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट के बाद हेयर की जो जड़ें होती है काफ़ी कमजोर होने लगती है, तो उस टाइम पे हमें हेयर मसाज की बहुत ही जरूरत हो जाती है। और हेयर स्पा का तो मैंने बता ही दिया, तो हेयर स्पा से भी काफ़ी अच्छा तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप हेयर मसाज करोगे यानी कि ऑयलिंग करोगे हेयर पर तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ऑयलिंग करने के लिए भी मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप कोकोनट पैराशूट का यूज़ करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको नाइट में यूज़ करना है, डे में यूज़ नहीं करना, मैंने काफ़ी वीडियो बता चुका आप लोगों को, तो उस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ आप करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आपको हेयरफॉल में काफ़ी कमी दिखाई देगी, आपके हेयरफॉल काफ़ी कम होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपके एक बाल भी नहीं टूटेंगे, बाल टूटेंगे, 2-5 टूटेंगे, मेरे भी टूटते, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके 50-60 बाल टूटेंगे, आपके काफ़ी कम हो जाएंगे हेयरफॉल और काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा आपके हेयर को, और काफ़ी अच्छे शाइनी, स्मूथ और सिल्की भी दिखेंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।